Hi guys, so today we are back at Avadh Kimberly. So आज हम लोग वापस आए हैं. लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो 4 BHK का था विद प्राइवेट पूल एंड विद ऑल द क्लब अमेनिटीज़ एज वेल. मैंने कवर की थी उसमें, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं अवध किम्बर्ली का, जिसमें क्लब कवर किया है प्लस एक 4 BHK प्राइवेट पूल वाला विला कवर किया है. तो आज हम लोग एक 3 BHK का विला देख रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में. सो दिस इज़ हाउ द लेन लुक्स. दोनों तरफ विलाज हैं, बीच में 25 फिट वाइड रोड है अलॉन्ग विद ऑल दिस ग्रीनरी. एंड कुछ ऐसा लुक है विलाज का, लाइक परमानेंट भी लोग रह रहे हैं, लाइक इन दिस वन दैट वन. सो अराउंड अबाउट 50% पीपल आर लिविंग परमानेंटली हेयर. अभी आज पर्टिकुलरली हम लोग इनका सैम्पल हाउस देखने वाले हैं. सो इस पर फर्नीचर वर्क ऑलरेडी डन है. पर्टिकुलर ये यूनिट भी अवेलेबल है हमारे पास, बट बाकी जो यूनिट्स होंगे वो विदाउट फर्नीचर होंगे. सो दिस इज़ योर कार पार्क एरिया. ये 22x50 का साइज़ है, 122 स्क्वायर यार्ड या 122 वार में आता है ये 3 BHK. ओके, दिस इज़ द कार पार्किंग. फिर आपका एक ये गेटेड एंट्रेंस होगा यहाँ पे लाइक दिस. ठीक है, कार पार्किंग एंड देन दिस इज द गेटेड एंट्रेंस. ये आपको एक छोटा सा आपका एरिया मिलेगा अंदर आने के लिए, प्लस ये ग्रीनरी के लिए मिलेगा. अभी दिस इज यू नो नॉट मेंटेन्ड प्रेटी वेल, तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट इसको आप मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, है ना. थोड़ा ग्रीनरी अच्छी कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं. All that is possible. Just quickly remove my shoes here so that dirty na ho andar. Okay. So this is the entrance. Aisa living room hai, big sized. And living room ke just samne TV unit milta hai. Plus you get so much of greenery in the background. 3 विंडोज़ दी हैं फुल साइज, जिससे आपको ओपन स्पेस दिखती रहे. यहाँ से आपको आपका कार पार्क दिखेगा. अगेन मतलब नेचुरल लाइट एयर सब आपको विला के अंदर मिलती रहेगी. अंदर जाते ही ये डाइनिंग स्पेस है छोटा सा एंड अ बिग साइज्ड किचन. फ्री मूवमेंट के लिए बहुत स्पेस अवेलेबल है. एल शेप में किचन है. अगेन यहाँ पे नेचुरल लाइट फ्रेश एयर के लिए स्पेस दिया है ऑल थ्रू आउट फ्रॉम देयर टिल हेयर. ये छोटा सा स्पेस दिया है, मे बी इफ यू हैव अ सिंगल डोर फ्रिज देन यू कैन यूज द स्पेस. ये पीछे का वॉश एरिया है किचन के साथ अटैच्ड. And this is a small store. Again, this is a window for ventilation. Common toilet hai for guests. This is the master bedroom on the ground floor. Window for natural light and fresh air and an attached washroom. यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. सो दिस इज हाउ द विला लुक्स. अगेन बहुत स्पेशियस विला है. लिविंग रूम भी बहुत स्पेशियस रखा है इन्होंने, प्लस इतनी विंडोज दी हैं तो बहुत ओपन ओपन लगता है. सो इट नेवर यू डोंट फील दैट यू नो कि बंद बंद सा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रखा है. हर तरफ से ओपन है फॉर नेचुरल लाइट एंड फ्रेश एयर. सो लेट्स गो अप. वन मास्टर बेडरूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड देन वी हैव टू मास्टर बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर. Okay, so this one is again a master bedroom.
बिग साइज्ड, एंड देन दिस इज अ किंग साइज वॉशरूम एज वेल. कबर्ड की स्पेस दी हुई है, यू कैन कीप अ स्मॉल चेयर और कॉफी टेबल हेयर इन योर बेड एंड देन स्पेस ओवर देयर इज वेल. उसके बाद फिर ये अपना मेन मास्टर बेडरूम है, थर्ड मास्टर बेडरूम. सी द कॉन्सेप्ट, अगेन हार्ट शेप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट लुक है विला का. दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम, अगेन किंग साइज. फुल विंडो इज द आउटसाइड लुक एंड देन दिस वन इज द बैल्कनी और योर पोर्च एरिया. इसके ऊपर भी आप द टेरेस एरिया एज वेल. दिस इज द टेरेस. गैस गीजर के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं. दिस इज द व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू. सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉल अस ऑन द नंबर बिलो, विल शो यू द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड यू द बेस्ट डील्स. सो गाइस, ये है यहाँ का आउटर प्ले एरिया फॉर किड्स. कैसी ब्लू सिटिंग भी है यहाँ पे फॉर सीनियर सिटीजन्स और एनीवन इन द सोसाइटी फॉर ऑल ऑफ यू मेंबर्स. सो दैट इज the skating rink. This one is the basketball court here. Skating rink and basketball court. The football ground, that in the background is the children play area. ऐसे वी हैव मिनी गोल्फ कोर्स इज वेल इन द अदर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन वी हैव इनडोर बैडमिंटन कोर्ट. लाइक जैसे एथलेटिक्स में होता है सेम सिमिलर टाइप ऑफ बैडमिंटन कोर्ट वी हैव पूल टेबल्स एंड टेबल टेनिस इज वेल.